त्यागी और कंप्यूटर बाबा आखिरकार जेल से रिहा हो ही गए। उन्हें सभी चार मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। 11 दिन बाद गुरुवार देर शाम को कंप्यूटर बाबा जेल से बाहर आए। जेल से बाहर निकलते हुए बाबा केवल अपने समर्थकों से मिले, लेकिन उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की। उन्होंने केवल अपने वकील रविंद्र सिंह छाबड़ा और विभोर खंडेलवाल का धन्यवाद दिया। लेकिन जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि क्या शासन और प्रशासन उन्हें डरा रहा है, तो उन्होंने साफ कहा कि वे इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोलेंगे। फिलहाल कोर्ट ने कंप्यूटर बाबा को चारों केस में जमानत दे दी है। अब देखना होगा कि प्रदेश सरकार और उनके बीच चल रहा विवाद आगे कौन सा नया मोड़ लेता है। सर, सबसे पहले बोलना चाहता हूँ। बाबा रुक के बोलिए थोड़ा। विभोर खंडेलवाल जी, अरे यार, रविंद्र छावड़ा जी का धन्यवाद। भगवान ने सबको धन्यवाद, भगवान ने सत्य की जीत दी। बाबा ये बताएं, ये सर मैं कुछ नहीं। बाबा एक आखिरी सवाल, आप डर गए प्रशासन से जो नहीं बोल रहे, इतना पहले बोलते थे। सर मैं कुछ राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी, जेल 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 में सब राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी। बाबा जी आज नए नए केस लगाए जा रहे हैं। रोजाना जब बेल हो जाती तो नया केस लगा दिया जाता है। कंप्यूटर बाबा खिलाफ राजनीति से प्रेरित राजनीतिक उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं कंप्यूटर बाबा। और आज जो कि सुनवाई थी यहाँ इंदौर कोर्ट में, सुनवाई के दौरान बहस हुई। बहस के बाद उन्होंने 10,000 के बेल बॉन्ड के ऑर्डर किए हैं रिलीज करने के लिए, जिसके आधार पर चौथा केस था लगातार। उस केस के बाद चौथा केस था एक संत के ऊपर जो 55 साल का है, बीमार है, जेल में भी बीमार है, उसका जेल में और राजनीतिक शिकार बना दिया गया, राजनीतिक षड्यंत्र कर दिया गया, केवल इसलिए कि लोकतंत्र यात्रा निकाल रहा है। उन्हें संतों के लिए किया, उन्हें नर्मदा यात्रा की, नर्मदा के लिए काम किया। और जो दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री आपकी सरकारों ने बनाया, यहाँ की सरकार ने बनाया, और उसके बाद उसको इस तरह से जुडिशियल कस्टडी में रखा जाए, उस तरह से झूठे केस लगाए जाएं, SC ST एक्ट का भी दुरुपयोग हो रहा है इस केस में उनके साथ, और जो कि पूरी तरह से मिसयूज है पावर का, सत्ता का, नहीं होना चाहिए। सर, बाबा को अभी यहीं से रिहा किया जाएगा? यहाँ से नहीं रिहा हो सकते, जेल से रिहा होंगे। आज शाम को पुलिस ने रिमांड मांगा था, किस तथ्य रखे थे, किस तरह वो कह रहे थे हमें अरेस्ट किया जाए, लेकिन हमने अपनी दलील दी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जो व्यक्ति पहले से जुडिशियल कस्टडी में है, जेल में है इतने दिनों से, और लगातार अनडेटेड केस रजिस्टर्ड किए जा रहे हैं। 2 महीने पहले घटना हुई थी, 1 महीने पहले घटना हुई थी, और सरकारी वकील ये दलील देते हैं कि उनका प्रभाव था, उनकी वजह से। तो प्रभाव अगर उनका था तो लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहा था, SP क्या कर रहे थे, थाने क्या कर रहे थे, कोर्ट क्या कर रही थी, लॉ एंड ऑर्डर से तो डर का होना चाहिए ना, ये विचार होना चाहिए। इस तरह से ये मिसयूज हुआ प्रोसेस ऑफ लॉ। मैं डॉक्टर AP सिंह एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में, आप जानते हैं कई मामलों में आपने देखा है, और आज यहाँ मैं इसीलिए बाबा ने बुलाया था मुझे, मैं सुबह जेल में मिला था और उसके बाद यहाँ कोर्ट में आर्गुमेंट किया।